डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवन मैथ एक्सरसाइज 12.2 का सिक्स सम करेंगे। सिक्स सम का ए पार्ट है स्टूडेंट्स, फ्रॉम द सम ऑफ 3x - y + 11 एंड -y - 11 सब्ट्रैक्ट 3x - y - 11। इसमें थ्री एक्सप्रेशन है, 1, 2, 3। अब हमें करना क्या है, इन दोनों एक्सप्रेशन के सम में से ये एक्सप्रेशन सेपरेट करनी है, माइनस करनी है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं। सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे इसको, सब एक साथ लिखेंगे, ब्रैकेट में ले लो 3x - y + 11 ब्रैकेट में, प्लस इस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में -y - 11 और यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस 3x - y - 11। क्या था, इन दोनों के सम में से ये थर्ड एक्सप्रेशन हमने सब्ट्रैक्ट करनी है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब पहला स्टेप क्या होगा, ब्रैकेट को ओपन करो, 3x - y + 11 -y - 11 ब्रैकेट के बाद पॉजिटिव साइन था तो जो अंदर साइन है वो एज इट इज लिखे हुए। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -3x + y + 11 बार माइनस का साइन था तो ये दोनों साइन चेंज हो गए। अब अगला स्टेप क्या होगा, लाइक टर्म को एक जगह लिखना, 3x और x किस में है, ये -3x -y - y + y तब ये 11 प्लस है, ये 11 प्लस है और ये 11 माइनस है। अब देखो इसमें ये दोनों लाइक टर्म है लेकिन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो जो ज़्यादा होंगे वो बचेंगी लेकिन ये ज़्यादा है नहीं, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो गए। ये तीनों लाइक टर्म है लेकिन ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक जैसी हैं तो इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, -y। ऐसे इसमें ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और हैं सभी क्या, 11, तो इस पॉजिटिव 11 से ये नेगेटिव 11 कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा ओनली 11। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, -y + 11। ये सिक्स सम का ए पार्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब बी पार्ट करते हैं, सिक्स सम का बी पार्ट है स्टूडेंट्स, फ्रॉम द सम ऑफ 4 + 3x एंड 5 - 4x + 2x की 2 सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3x - 5x एंड -x + 2x + 5। तो इसमें देखो फोर एक्सप्रेशन है, 1, 2, 3, 4। अब करना क्या है, इन दोनों एक्सप्रेशन के सम में से इन दोनों एक्सप्रेशन का सम सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इन दोनों का क्या करना, हमने सम निकालना यानी कि इनको ऐड करना, तो इनको ऐड करते हैं। फोर एक्स फोर प्लस 3x + 5 - 4x + 2x / 2 माइनस का साइन। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है इस ब्रैकेट में, 3x - 5x - x² + 2x + 5। अब मैंने इसमें डबल डबल ब्रैकेट क्यों यूज की, क्योंकि हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करना है पहले, तो इस ब्रैकेट के अंदर हम इन दोनों को ऐड करेंगे
और इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करना, तो इस ब्रैकेट के अंदर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे और फिर करना क्या है, इन दोनों के सम में से इन दोनों का सम हमने माइनस करना, इसलिए इन दोनों के बीच में हमने माइनस का साइन लगाया। तो अब इसको जो ये बाहर वाली ब्रैकेट है इसको ऐसे ही रखो, ये ओपन करो पहले, 4 + 3x + 5 - 4x + 2x2, ये क्योंकि बाहर पॉजिटिव साइन था तो एज इट इज रहेगी। अब ये माइनस का साइन और ये ब्रैकेट एज इट इज, इनको ओपन करना सिर्फ 3x2 - 5x - x2 + 2x + 5, ये ब्रैकेट ओपन की है तो बाहर पॉजिटिव साइन था तो अंदर के साइन एज इट इज रहे। अब इसको अलग लेके चलना है, इसमें लाइक टर्म है जो एक जगह करो, 4 + 5 + 3x - 4x + 2x2, अब इसमें फिर लाइक टर्म एक जगह करो, 3x2 - x2 - 5x + 2x + 5। अब ये ब्रैकेट हम ओपन कर सकते हैं या फिर इनको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। 4 + 5 + 3x - 4x + 2x2, अब इसको ओपन करो, बार माइनस का साइन है, -3x2 + x2 + 5x, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, -2x - 5, सभी ब्रैकेट ओपन हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक जगह करेंगे, 4 + 5 - 5 + 3x - 4x पीछे लिख दो। अब ये 2x और भी बचा हुआ है माइनस का है ये भी, तो इसको भी लिखो यहाँ -2x। अब एक्स की 2 लेते हैं, +2x की 2 और इसके साथ में ये लिखो +x की 2 और इसको पीछे लिखो -3x की 2। सभी टर्म्स लिखे गए हैं स्टूडेंट्स। अब ये तीनों लाइक टर्म है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका क्या होगा, इनको इकट्ठी करो, 9 - 5। अब ये तीनों लाइक टर्म है, ये पॉजिटिव है दोनों, ये नेगेटिव, तो इनको इकट्ठी करो पहले, +8x - 4x। अब नहीं, ये भी है इनके साथ, तो ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, तो इनको इकट्ठी करेंगे तो -6x हो गया। और ये तीनों लाइक टर्म है, ये दो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो इनको इकट्ठी करेंगे तो क्या हो जाएगा, +3x की 2 और ये -3x की 2। अब आगे क्या होगा, ये दोनों लाइक टर्म है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ज्यादा कौन सा है, पॉजिटिव, कितना, 4। ये दोनों लाइक टर्म है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कौन सी ज्यादा है, पॉजिटिव, कितनी ज्यादा है, 2। ये दोनों लाइक टर्म है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो जो ज्यादा वो बचेगी, ज्यादा कोई भी नहीं, दोनों इक्वल है, तो दोनों कैंसिल हो गई, हमारे पास क्या बच गया, 4 + 2x, इसको हम लिख सकते हैं 2x + 4। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स इसका, और ये 6th सम कंप्लीट हो गया।